डिड यू गेट एंग्री एट द फैक्ट व्हेन द गवर्नमेंट टोल्ड यू कि उनके पास कोई ऐसा डेटा नहीं है जो ये प्रूफ करे कि कोविड की सेकेंड वेव में इतनी मौतें लैक ऑफ ऑक्सीजन सिलेंडर से हुई थी? बिकॉज ड्यूरिंग कोविड नो ऑक्सीजन सिलेंडर और लैक ऑफ ऑक्सीजन सिलेंडर्स वॉज द ओनली न्यूज विच वॉज सर्फेसिंग ऑल अक्रॉस द मीडिया. वी ऑल नो हाउ मेनी डेथ्स हैपेंड ड्यू टू लैक ऑफ ऑक्सीजन सिलेंडर्स, येट द गवर्नमेंट डज नॉट हैव एनी सब्सटेंशियल डेटा ऑन द लैक ऑफ ऑक्सीजन सिलेंडर डेथ्स. अगर आपको अब भी गुस्सा नहीं आया है तो मैं आपके सामने कुछ और तथ्य फेंकता हूं डेटा से रिलेटेड, और शायद तब आपको गुस्सा आए. पिछले साल जोमैटो, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, एयर इंडिया एज वेल, दे ऑल पब्लिक लिस्टेड कंपनीज एज ऑफ नाउ, देयर डेटाबेस वॉज लीक्ड ऑनलाइन टू सम मलिशियस हैकर्स. और आज भी इस बात का कोई संज्ञान नहीं है कि वो डेटा किसका था, वो डेटा कहां गया है, किसके पास गया है और उस डेटा में क्या क्या लीक हुआ है. डेबिट कार्ड डिटेल्स, आपके फोन नंबर्स, आपकी ईमेल आईडीज, आपके ऑर्डरिंग पैटर्न डिटेल्स, क्या लीक हुआ है, नोबडी हैज एनी आइडिया टिल येट. अगर आपको अब भी गुस्सा नहीं आया है तो studentdatabase.in करके एक वेबसाइट है जहां पे 299 रुपए में करोड़ों स्टूडेंट्स के डेटाबेस, उनके पेरेंट्स के डेटाबेस आपको मिल सकते हैं. वो डेटाबेस उनके पास कहां आता है ये जानने की जरूरत है, पर हम नहीं जान पाएंगे और ना ही हमको अभी तक ये बात पता है. अगर आपको अब भी गुस्सा नहीं आया है, then go to any roadside cafe, a decent cafe or a decent restaurant, and when you enter your phone number, जब आप उनको वहां पे अपना फोन नंबर देते हैं, अपनी ईमेल आईडी देते हैं, वो डेटाबेस उठा करके किसी को भी बेच सकते हैं और आप और मैं उनके साथ कुछ नहीं कर सकते हैं. That data can be openly sold to as many people as they want. आज हम बात करेंगे हिंदुस्तान के डेटा के बारे में. 130 करोड़ की आबादी वाला देश जो कि हर सेकंड दुनिया में सबसे ज्यादा डेटा स्पिन आउट करता है. दुनिया में सबसे ज्यादा लोग ऑनलाइन इस वक्त हिंदुस्तान में आ रहे हैं, येट हमारे देश में कोई भी डेटा प्रोटेक्शन रूल नहीं है. अगर आप किसी भी संदर्भ में, किसी भी कॉन्टेक्स्ट में ऑनलाइन गए हैं तो आपके डेटा का किसी ना किसी फॉर्म में कहीं ना कहीं ऑनलाइन यूज इस वक्त हो रहा है एज वी स्पीक. आपका आधार नंबर, आपका पैन नंबर, आपकी ईमेल आईडी, आपका फोन नंबर, आपके बाइंग पैटर्न्स, आपकी कोई भी आपने जो बिहेवियर ऑनलाइन डिपिक्ट किया हो, चाहे वो आप अमेजोन या फ्लिपकार्ट पे ऑनलाइन शॉपिंग करते हो, चाहे वो आप किसी रेस्टोरेंट में जाकर के खाना खाते हो, किसी फूड ऑर्डरिंग ऐप से अगर आप ऑर्डर करते हो, चाहे आप ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस करते हो, डिजिटल वॉलेट्स के थ्रू आप पेमेंट करते हो, अगर आपने कोविन ऐप का इस वक्त यूज किया है, आपने आरोग्य सेतु ऐप का कभी यूज किया है, तो कहीं ना कहीं आपका डेटा इस वक्त ऑनलाइन नंगा घूम रहा है. द ओनली एक्सेप्शन इज बैंक्स. द ओनली एक्सेप्शन इज योर फाइनेंशियल डेटा, क्योंकि ऑफकोर्स वो आपकी जेब से रिलेटेड है. तो बैंक्स एंड फाइनेंशियल सर्विसेज इंस्टीट्यूशंस आर मोर देन एक्टिव इन प्रिजर्विंग दैट डेटा. पर उसके अलावा आपके पॉलिटिकल व्यूज, आपके रिलीजियस व्यूज, आपके बाइंग पैटर्न, सोशल मीडिया पर अगर आप कुछ डालते हैं, आपकी फोटोज, आपने अगर कहीं किसी कभी भी ऑर्डर किया हो, आपने ऑनलाइन ट्रैवल किया हो, आपने अपनी टिकट्स ऑनलाइन खरीदी हो, किसी भी ऑनलाइन एक्टिविटी में अगर आपने अपना डेटा एंटर किया है, तो वो डेटा इस वक्त नंगा घूम रहा है एंड एनीबडी कैन हैव एक्सेस टू इट एंड यूज इट अगेंस्ट यू. The reason is that we do not have strong data protection laws in this country. अगर आपको पता भी लग जाता है कि आपका डेटा कहीं मिसयूज हुआ है आपकी मर्जी के खिलाफ, तो आप जाकर के उसको कुछ नहीं कर सकते हैं. आपके पास कोई ऐसे रोबस्ट डेटा लॉज नहीं है. डेटा लॉज के नाम पे हमारे देश में सिर्फ एक आईटी एक्ट है 2000 का, जिसमें कई सारे अमेंडमेंट्स हो चुके हैं. द कोर्ट्स ऑफ दिस कंट्री वैलिडेट योर राइट टू प्राइवेसी, बट योर कॉन्स्टिट्यूशन स्टिल डज नॉट. जनरल डेटा प्रोटेक्शन रूल यूरोप में बहुत एक्टिव है. यूरोप में या फिर यूएस में अगर आपका डेटा का मिसयूज होता है, कोई छोटी सी एजेंसी, कोई छोटी सी संस्था अगर आपका गवर्नमेंट आपका डेटा का मिसयूज करती है, तो आप ना सिर्फ उसको सू कर सकते हैं, आप उसको जेल ले जा सकते हैं और आप उससे डैमेजेस रिक्लेम कर सकते हैं, और आपके पास होता है राइट टू बी फॉरगॉटन का. आपका सारा डेटाबेस वहां से उड़ाया जा सकता है. हिंदुस्तान में अभी तक ऐसा कोई प्रावधान नहीं. इंडिया का जनरल प्रोटेक्शन बिल, जिसको हम पीडीपी बुलाते हैं, पर्सनल डेटा प्राइवेसी रूल, पिछले कई सालों से लोकसभा और राज्यसभा में धक्के खा रहा है. इट हैज स्टिल नॉट बीन पास्ड बाय द प्रेसिडेंट बाय एनी ऑफ द हाउसेस. इसमें भी सिर्फ संशोधन हो रहे हैं, सिर्फ गहन विचार हो रहे हैं, और ये विचार इस वक्त हो रहे हैं जब ज्यादा से ज्यादा हिंदुस्तानी ऑनलाइन आ रहे हैं हर साल. अगर इस लॉ की सबसे ज्यादा जरूरत है तो वो आज है, अभी है, इसी वक्त है, इसी सेकेंड है.
अगले 5 साल बाद अगर ये लॉ आता है तो इसका कोई यूज नहीं है, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा इंडियंस ऑलरेडी ऑनलाइन आ चुके होंगे और उनके डेटा का एक्सप्लॉयटेशन जितना होना होगा हो चुका होगा। ऑफ लेटली पीपल हैव बीन टॉकिंग अबाउट पेगासस। Pegasus is a software designed by an Israeli company called NSO, and they only sell out this software. It is a spyware software. It spies on people. It's a software which snoops on people. Apparently, governments of various countries are its clients. और सरकारें अलग-अलग देशों की यही बोल करके ये software का इस्तेमाल करती हैं कि हम अपने देश की sovereignty, integrity और defence के लिए इस spyware का use कर रहे हैं। But of lately, government of India has been caught on the back foot on spying on its own citizens. इसमें कई सारे opposition के नेता, politicians, पत्रकार और कई सारे activists के number भी आए हैं। Now, the fact of the matter is, ladies and gentlemen, that even if the government has been caught red-handed in the future, even if it is proven that the government was actually snooping, you cannot do anything against the government, you cannot do anything against the agency, because there is no such law. And the reason that there is no such law is, it has been deliberately been postponed in both the upper houses and the lower house. It is still not an act, and this will likely be the case. हम सब ने सुना है कैम्ब्रिज एनालिटिका के बारे में, जो 2016 में यूएस में हुआ था। कैसे आपकी डिजिटल प्रोफाइल्स बनाई गई थी आपके यूजर बिहेवियर के हिसाब से, आपके रिलीजियस और पॉलिटिकल व्यूज के हिसाब से, और कैसे आपको एड कैंपेन टारगेट किए गए थे। एंड एज अ रिजल्ट मेनी पीपल स्टिल बिलीव दैट 2016 इलेक्शन इन विच डोनाल्ड ट्रंप वॉन वॉज एक्चुअली मैनिपुलेटेड। इनफैक्ट फेसबुक ऑल्सो अग्रीड दैट उनके प्लेटफॉर्म से कई सारे यूजर्स का डेटाबेस लीक हुआ था, और उसके तुरंत बाद यूएस में प्राइवेसी लॉ आया था जिसने वहां के सिटीजंस को सेफगार्ड किया अपने डेटा के मिसयूज से। हिंदुस्तान में अभी तक ऐसा लॉ नहीं है। द लॉ शुड हैव कम यस्टरडे, नॉट सम इयर्स लेटर। लेडीज एंड जेंटलमैन, इन द कमिंग फ्यू एपिसोड्स वी विल एक्सप्लोर हाउ डेटा इज मिसमैनेज्ड इन दिस कंट्री, वेयर वी कैन नॉट गेट एक्सेस टू बेसिक डेटा, as if how many people died due to lack of oxygen cylinders, but at the same time we have enough data which can snoop on the citizens of this country in the name of sovereignty. We have enough data which can be sold to private players, which can be sold to highest bidders, and you and me have no control over it. Now you might think why data is so important. Ladies and gentlemen, data aaj ka khel nahi hai. Data is now considered as the new oil. Data dur ka game hai. आपको और मुझे ये समझना पड़ेगा कि आने वाले समय में सबकी डिजिटल प्रोफाइलिंग हो जाएगी। डिजिटल प्रोफाइलिंग मतलब जैसी आपकी आइडेंटिटी आज रियल वर्ल्ड में है, वैसे ही आने वाले दिनों में आपकी आइडेंटिटी डिजिटल दुनिया में बनेगी। अब इस डिजिटल दुनिया में आपकी आइडेंटिटी मतलब ना सिर्फ आपका नाम, ईमेल आईडी, बैंक अकाउंट डिटेल्स, बल्कि आपके रिलीजियस और पॉलिटिकल व्यूज, द डिसीजंस व्हिच यू टेक ऑनलाइन, योर बाइंग पैटर्न्स, एवरीथिंग विल कॉन्स्टिट्यूट योर डिजिटल प्रोफाइल। नाउ इफ यू डू नॉट हैव कंट्रोल ओवर योर डिजिटल प्रोफाइल, इफ यू डू नॉट हैव कंट्रोल ओवर हु कैन यूज योर डिजिटल प्रोफाइल, शेयर योर डिजिटल प्रोफाइल, यूज योर डिजिटल प्रोफाइल, देन हु एल्स शुड। जैसे फ्रीडम ऑफ स्पीच आपका फंडामेंटल राइट है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन आपका फंडामेंटल राइट है, वैसे ही एक्सेस एंड प्रिजर्वेशन ऑफ योर पर्सनल डेटा इज योर पर्सनल राइट, एंड यू डोंट हैव इट।